हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस मनी फिजिक्स टीचर और स्टूडेंट लोगों का स्टडी कोच। आप लोगों ने बहुत बार हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर, लाइट के रिफ्लेक्शन का जो दोनों ला है या लाइट के रिफ्रैक्शन का जो दोनों नियम दोनों ला है, सर आप उसे हैजल्स के नियम से प्रूव कीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आपने बोला तो बोला, यह सच में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 5 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो बस इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से। और मैं बता दूं कि जो रिफ्लेक्शन का दोनों ला, रिफ्रैक्शन का दोनों जो ला है, हैजल्स प्रिंसिपल से प्रूव करने के लिए, इसके लिए आपको पहले वेव फ्रंट अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। इसलिए रिफ्लेक्शन का ला और रिफ्रैक्शन के ला को प्रूव करने के लिए हमें 4 लेसंस लाने पड़ेंगे। 4 लेसंस, एक मैं कल लाऊंगा 10 बजे, अगला लेसंस मैं अगले दिन 10 बजे लाऊंगा, फिर अगले दिन 10 बजे लाऊंगा, फिर उसके अगले दिन 10 बजे लाऊंगा। इस तरीके से 4 लेसंस को लाऊंगा। और हां, अगर आप अभी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद देख रहे हैं, तब मैं चारों लेसंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। लेकिन अगर जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी दिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तब इंतजार कीजिए कल परसों का। इसी तरीके से चारों के चारों लेसंस को लाऊंगा। पहले लेसन में हम लोग बात करेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, क्योंकि बिना वेव फ्रंट के आप उसे सीख ही नहीं सकते हैं। और दूसरे लेसन में हम लोग वेव फ्रंट का अलग अलग शेप, अलग अलग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो शेप होता है उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है। और थर्ड लेसन में हम लोग आ जाएंगे असली मुद्दा पे, लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव करेंगे। और फोर्थ लेसन में हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करेंगे। और ये चारों लेसन के बाद आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते कि आपके पास पूरे आपके सिलेबस का वीडियो पेन ड्राइव में घर पे पहुंच जाए, तो आप इस नंबर पे मेरे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सारे के सारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाने में मैंने मेहनत किया है, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करके पूरे दोस्तों में नहीं फैलाया तो मेरी बात लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगी, लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपका भी फर्ज है कि आप इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स में फैलाइए, जितना हो सके उतना फैला दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे के सारे वीडियोज को मेरे चैनल्स पे बार बार आकर देखते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।